श्री सीताराम विवाह उत्सव एवं भव्य शोभा यात्रा के साथ श्री राम महोत्सव आरंभ हो गया है। 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक श्री श्री 1008 श्री स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज द्वारा श्री राम कथा होगी। मैयर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री राम महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन श्री राम जानकी विवाह मंडली के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बड़ा अखाड़ा के महाराज श्री श्री 108 श्री सीता वल्लभ शरण जी महाराज ने बताया, 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कथा का आयोजन किया गया है। नितिन जी ने बताया ये कार्यक्रम आश्रम में मनाया जा रहा है और इसकी दिव्य शोभा यात्रा की व्यवस्था नितिन ताम्रकार जी अपने सहयोगियों को साथ में लेकर और इसको मूर्त रूप देते हैं और ये दशहरा जैसा ही कार्यक्रम एक इस मार्ग से शुक्ल पवित्र महीने में पंचमी को हो जाता है और इसके बाद फिर श्री राम कथा जो जगतगुरु श्री स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी श्री कामतानाथ स्वामी के प्रथम मुखारविंद के श्री महंत पद पर प्रतिष्ठित हैं श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जी के मुखारविंद से 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक श्री राम कथा नित्य श्री राम यज्ञ हवन पूजन और नित्य आने वाले समस्त भक्तों का भोजन की व्यवस्था की गई है। 26 को पूर्णाहुति करके समस्त नगरवासियों का निमंत्रण प्रतिदिन है 17 से 26 तक, पर ना आ सके तो 26 को तो कम से कम सभी लोग पधार करके कृपा करके भगवान ठाकुर जी का प्रसाद पा करके और कृतकृत हो जाएं और सबको आशीर्वाद दे दें, सबका आशीर्वाद ले लें और जन कल्याण करें, जन कल्याण की भागीदारी में सबका सहयोग करें। मैयर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने बताया कि पूरा शहर दुल्हन की तरह सज गया है। विधायक ने सभी राम भक्तों से निवेदन किया है कि हर घर के बाहर दिए जलाकर रखें। भव्यता के रूप में अभी से ही पूरा शहर सज गया है और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं व्यापारी बंधियों से, पत्रकार साथियों से, सभी सामाजिक संस्थाओं से कि अपने घर के सामने दिए जलाएं और जैसे बारात निकलती है तो सब लोग पुष्प की वर्षा करें। अखाड़े से शाम 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जानी है कल और यहाँ से निकलने के बाद दक्षिण मुखी महाराज हनुमान जी स्वामी जी के दर्शन करके शोभा यात्रा किला पहुँचेगी। किले में राजमाता जी संतों का पूजन करेंगी, उसके पश्चात वहाँ से पुरानी बस्ती होते हुए घंटाघर से आपका कटरा बाजार होते हुए काली माता मंदिर से सिंधी कॉलोनी होते हुए स्टेशन से फिर वापस स्टेट बैंक से वापस अखाड़े के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।